तो यहाँ पे जो भी क्लासिफिकेशंस हैं जो कि इनके बियॉन्ड विजुअल रेंज कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग किए गए हैं, तो बेसिकली किसी भी फाइटर जेट का जो बियॉन्ड विजुअल रेंज कैपेबिलिटी है वो कुछ इन पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि कौन से वो बीवीआर मिसाइल कैरी कर रहा है, उसके पास रडार किस तरह का है और वो एयरक्राफ्ट कितना अजाइल है। तो यहाँ पे एजिलिटी इसलिए कंसिडर किया जा रहा है, तो किसी भी एयर टू एयर मिसाइल का जो नो एस्केप जोन होता है वो मोस्टली डिपेंड करता है एयरक्राफ्ट के डायरेक्शन पे, टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट पे और वो एयरक्राफ्ट अपने साथ क्या कैरी कर रहा है। ये तीन जो फैक्टर्स हैं इस पे कोई भी जो मिसाइल है उसका नो एस्केप जोन डिपेंड करता है, कुछ हद तक ऑल्टीट्यूड ऑफ फायर पे भी डिपेंड करता है और वो पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट कितना जी फोर्स लेने में सक्षम है। तो ये कुछ पैरामीटर्स है जो कि नो एस्केप जोन को एंश्योर करते हैं। तो इन सभी के एक कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग ये कुछ टॉप 11 फाइटर जेट्स हैं इनके बीवीआर कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग। नंबर 11 अमेरिकन F-16 वाइपर। तो ये यहाँ पे इसलिए है कि इसमें APG-80 रडार दिया गया है और उसके साथ ये 4 AIM-120C कैरी करने में सक्षम है और 2 AIM-9X कैरी करने में सक्षम है, जो कि इसको ये 11th स्पॉट देता है और यही है आपका F-21। नंबर 10 बोइंग FA-18EF सुपर हॉर्नेट। इसका RCS F-16 से कम है और कम्युनिकेशन डेटा लिंक F-16 से एडवांस है और ब्लॉक 3 के अपग्रेड के बाद इसमें ED2 की कैपेबिलिटी आ चुकी है और ये सुपर हॉर्नेट 12 AIM-120 मिसाइल कैरी करता है, वहीं पे 6 और AIM-9X कैरी करने में सक्षम है। नंबर 9 Sukhoi Su-35। तो ऑल्दो इसके पास एक ऐसा रडार नहीं है, लेकिन इस एयरक्राफ्ट की एजिलिटी और उसके साथ इस एयरक्राफ्ट के रडार को मिल रहा एक अबंडेंस पावर इसके रडार की रेंज को एक्सटेंड करता है और ये Su-35 हर तरह के मिसाइल फायर करने में सक्षम है, सेमी एक्टिव रडार या फिर इंफ्रा होमिंग वाले मिसाइल्स। वहीं पे इसकी एंटी रेडिएशन मिसाइल फायर करने की जो कैपेबिलिटी है वो इसको इस स्पॉट का हकदार बनाती है। नंबर 8 MiG-31 BSM। तो MiG-31 को मैक्सिमम बियॉन्ड विजुअल रेंज कैपेबिलिटी के लिए डिजाइन किया गया था ताकि वो बॉम्बर्स को इंटरसेप्ट कर सके। वैसे एजिलिटी के मामले में ये उतना अजाइल नहीं है, लेकिन इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो 2.83 मार्क की है और इसका जो R-33 मिसाइल है वो इसको इस स्पॉट पे रखने के काबिल बनाता है। कुछ और रीजन्स की बात करोगे तो इसमें एक एडवांस डेटा लिंक भी दिए गए हैं। नंबर 7 Chengdu J-20। हायर ऑल्टीट्यूड पे उड़ने की काबिलियत प्लस इसके रडार में दिए गए तकरीबन 1500 के आसपास TR मॉड्यूल जो कि वेरी लॉन्ग रेंज मिसाइल वेल रैम फायर करने में सक्षम है। वैसे एजिलिटी के मामले में इतना कुछ खास नहीं है J-20, लेकिन इस पे लदे BVR मिसाइल और इसका रडार इसको नंबर 7 का हकदार बनाता है और ये तकरीबन 6 से 8 नए जनरेशन वाले PL-15 मिसाइल कैरी करेगा और वहीं पे 2 और PL-10 कैरी करेगा। नंबर 6 MacDonnell Douglas F-15C। इस फाइटर जेट में इस फाइटर जेट की एबिलिटी AIM-120D कैरी करने की क्षमता और इसका जो ISR रडार है वो इसको नंबर 6 का हकदार बनाता है और ये तकरीबन 6 AIM-120C कैरी करने में सक्षम है, 2 और AIM-129X कैरी करने में सक्षम है। नंबर 5 Saab Gripen E। तो साब के ग्रिपेन ई पे MBDA द्वारा निर्मित BVR मिसाइल मीटियोर के आ जाने से इसको ये स्पॉट मिल गया है, नहीं तो इससे पहले ये टॉप 10 में भी नहीं था। तो मीटियोर का कॉम्बिनेशन एक ISR रडार के साथ इसको ये स्पॉट देता है, जो कि ये 4 मीटियोर मिसाइल कैरी करने में सक्षम है और वहीं पे 2 और IRIST कैरी करने में सक्षम है। नंबर 4 Lockheed Martin F-35 ANB लाइटनिंग 2। और इस एयरक्राफ्ट को ये स्पॉट इसलिए दिया गया है क्योंकि ये उतना अजाइल तो नहीं है, लेकिन इसकी जो नेटवर्क सेंट्रिक फाइटिंग कैपेबिलिटी है वो इसको ये स्पॉट देती है और इसमें लगा ISR रडार वन ऑफ द एडवांस ISR रडार है और ये F-35 4 AIM-120C5 कैरी करने में सक्षम है, वहीं पे 2 AIM-9X फायर करने में सक्षम है। और नंबर 4 पे ही रखना चाहूंगा मैं Sukhoi Su-57 पाकफा को। वैसे तो मैं इसको और भी नीचे रैंक करने वाला था क्योंकि इस पे जो बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स हैं वो R-37 और R-77 है, जो कि इस टॉप 5 रैंकिंग में जो भी आपके फाइटर्स है उन सभी पे या तो MRAM है या फिर मेटियोर है और इन दोनों से ही ये R-77 ऊपर रेट नहीं किया जाता है। लेकिन फिर भी तो Su-57 के रडार के रेंज को देखते हुए और इसकी एक पावरफुल मिसाइल जैमिंग क्षमता को देखते हुए और इसमें दिए गए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जो सेंसर्स हैं उनको देखते हुए मैं इसको नंबर 4 पे ही F-35 के साथ रखना चाहूंगा। नंबर 3 Eurofighter Typhoon FGR। तो टाइफून के पास बियॉन्ड विजुअल रेंज में कॉम्बैट करने के लिए हर चीज है, ये एक हाई ऑल्टीट्यूड पे फ्लाई कर सकता है, इसकी स्पीड अच्छी खासी है और जो इसके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट है वो एडवांस है और जो सबसे बड़ा अपर एज है मीटियोर मिसाइल कैरी करने की क्षमता, जो कि ये 6 की मात्रा में कैरी करने में सक्षम है। वहीं पे ये MRAM के साथ साथ ASRAM भी कैरी करने में सक्षम है, तो ये हर तरह के बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल कैरी करता है, इसलिए इसको ये स्पॉट दिया गया है। नंबर 2 Dassault Rafale C। तो यस फ्रेंड्स, नंबर 2 पे Rafale F-3R है और इसको ये स्पॉट इसकी हाई ऑल्टीट्यूड पे फ्लाई करने की क्षमता, इसकी स्पीड, इसके टू वे डेटा लिंक
और उसके साथ साथ सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क कॉम्बैट कैपेबिलिटी राफेल में है। और वहीं पर राफेल का जो ईडब्ल्यू सूट है वो सबसे एडवांस माना जाता है। स्पेक्ट्रा ईडब्ल्यू सूट और स्पेक्ट्रा का कॉम्बिनेशन जब इसके वेपन कैरिंग कैपेबिलिटी के साथ इंटीग्रेट होता है तो वो इसको सेकंड स्पॉट देता है। और इसमें लगा थेल्स द्वारा निर्मित टैलियोस लॉन्ग रेंज जो टारगेटिंग पॉड है वो भी एक मेजर एडवांटेज है। और ये राफेल F3R फाइटर जेट तकरीबन 4 की मात्रा में मीटियोर कैरी करने में सक्षम है और 2 की मात्रा में माइका नेक्स्ट जनरेशन कैरी करेगा और अभी फिलहाल 2 ही माइका कैरी करने में सक्षम है। नंबर 1 लॉकहीड मार्टिन F-22 रैप्टर। तो इस नंबर 1 की पोजीशन के लिए F-22 को कंपटीशन देने वाला अभी तो कोई फाइटर जेट नहीं है क्योंकि F-22 एक बहुत सही ब्लेंड है स्टेल्थ और एरोडायनेमिक्स का और जिसकी वजह से इसकी एजिलिटी खास है। और वहीं पे इसमें लगा ISR रडार जिसमें तकरीबन 2000 के आसपास TR मॉड्यूल्स हैं और इसके जो डेटा लिंक है वो काफी एडवांस डेटा लिंक है और इसमें हर तरह की सिचुएशन में कॉम्बैट करने की सलाहियत है। और ये F-22 रैप्टर तकरीबन 6 AIM-C और AIM-120D कैरी करने में सक्षम है, वहीं पे 2 AIM-9X या फिर 9M कैरी करने में सक्षम है। और आने वाले दिनों में जब अमेरिकन मिसाइल AIM-260 अपने प्रोडक्शन लाइन को छुएगा तो जिन भी फाइटर्स पे वो मिसाइल होगी उस फाइटर की कैपेबिलिटी बढ़ने जा रही है। तो इस टॉप 10 कैपेबिलिटी को लेकर इतना ही। वीडियो अच्छी लगी गिव अस अ लाइक। Do not forget to subscribe. Jai Hind.